मुसाफिरों को अपने सफर पर ले जा रही ये ट्रेन बेपटरी हो गई, मानो किसी ने ट्रेन की बोगियों को इधर उधर फेंक दिया हो। सारे डिब्बे तितर बितर पड़े हैं। घटनास्थल पर रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा है। रेल हादसे की ये ताज़ा तस्वीरें झारखंड से सामने आई हैं, जहां हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की सारी बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये घटना झारखंड के चक्रधर के बड़ा बाम्बो रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार तड़के हुआ। बताया जा रहा है कि डिरेल होने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराए। इस हादसे के पीछे रेलवे अधिकारियों की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। अब लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस जगह रेल हादसा हुआ है वहां पहले से एक मालगाड़ी डिरेल हो चुकी थी, जिसके डिब्बे पटरी पर ही थे। इस बीच पीछे से आ रही हावड़ा मुंबई मेल की मालगाड़ी के डिब्बों के साथ टक्कर हो गई, जिसके चलते कई पैसेंजर कोच भी पटरी से उतर गए। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में काफी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन हावड़ा मेल के ड्राइवर ने वक्त रहते ट्रेन की स्पीड कम कर दी, जिस वजह से ज्यादा यात्रियों की मौत नहीं हुई। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में पिछले 6 महीनों में ये तीसरी बड़ी रेल दुर्घटना है। वहीं हाल के दिनों में देखें तो इससे पहले कई रेल हादसे हो चुके हैं। सिर्फ जुलाई के कुछ हादसों पर गौर करें तो 29 जुलाई 2024 को दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति दो हिस्सों में बट गई थी। 29 जुलाई 2024 को ही भुवनेश्वर में मंचेश्वर स्टेशन यार्ड पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। 26 जुलाई 2024 को भी भुवनेश्वर में एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 18 जुलाई 2024 को गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 से 6 डिब्बे डिरेल हो गए थे। ये सिर्फ जुलाई में हुए रेल हादसों के आंकड़े हैं। इससे पहले न जाने कितने बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों का घर उजड़ चुका है। ऐसे में रेल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने तो लाजमी है। आखिर रेल मंत्रालय के इंतजाम क्या है? क्यों हर बार कोई ट्रेन या मालगाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है? क्यों रेल मुसाफिरों की जान से खिलवाड़ किया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन रेल हादसों से रेलवे सबक क्यों नहीं लेता? आखिर कब तक रेलवे की लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा?